there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Welcome students. आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे SDLC क्या है. तो SDLC का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, और इसे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी आप बोल सकते हैं. और दूसरी चीज क्या है इसमें कि डेटाबेस डिजाइन SDLC का एक मूलभूत घटक है, और किसी भी सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जितने स्टेप्स या की प्रोसेस आती जाती हैं उन सभी स्टेप्स को मिला करके SDLC कहते हैं. तो अब कौन कौन सी स्टेप्स हैं फेसेस ऑफ SDLC, तो मैं आपको SDLC के फेसेस के बारे में बताता हूँ. देखिए, किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम को डेवलप करने में 5 फेसेस होती हैं, जो कि कौन कौन सी फेसेस है मैं आपको बता देता हूँ. तो पहली फेस हमारी प्लानिंग, दूसरी एनालिसिस, तीसरी हमारी डिटेल्ड होती है डिटेल सिस्टम डिजाइन, चौथी हमारी इम्प्लीमेंटेशन, और इसके बाद हमारी मेंटेनेंस होती है. तो सबसे पहले प्लानिंग में देखिए क्या होता है. तो प्लानिंग फेस में हम सॉफ्टवेयर को हम क्या डेवलप कराना चाहते हैं या उसके गोल्स क्या क्या हैं, ये सभी चीजें डिस्कस करते हैं. और प्लानिंग फेस में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, हमारी उसकी रिक्वायरमेंट्स तथा रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी, उन सभी प्लानिंग के अंतर्गत ही ये सभी चीजें आती हैं. और इस फेस में हम ये भी देखते हैं कि जो वर्तमान में सॉफ्टवेयर है वह अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर हम सही से अपना जॉब कर रहा है तो उसे बदलने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है. इसमें हम कॉस्ट को भी इवेल्युएट करते हैं, और सिस्टम को डिजाइन करने में कितने कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, ये सभी चीजें प्लानिंग के फेस में ही ये सभी चीजें आती है. इसके बाद दूसरी चीज हमारी क्या है, एनालिसिस. तो प्लानिंग फेस में प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है, तथा एनालिसिस फेस में उन प्रॉब्लम्स को अधिक डिटेल के साथ एग्जामिन किया जाता है. अब एनालिसिस फेस में यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को भी देखा जाता है कि एंड यूजर्स की क्या क्या जरूरतें हैं, और इस फेस में सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से स्टडी भी किया जाता है. और साथ ही साथ इसमें एंड यूजर्स तथा डिजाइनर्स दोनों मिल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. अब इसके बाद हमारा जो अगला फेस है तो डिटेल्ड सिस्टम डिजाइन, ये अगला फेस हमारा है. तो डिटेल्ड सिस्टम डिजाइन फेस में डिजाइनर सिस्टम के प्रोसेस के डिजाइन को पूरा करता है, और सिस्टम में संपूर्ण टेक्निकल जो हमारी स्पेसिफिकेशंस को इंक्लूड किया जाता है, जिससे सिस्टम और भी ज्यादा हमारा इंटरेक्टिव लगता है, था परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाती है. इसके बाद हमारा अगला होता है इम्प्लीमेंटेशन. तो इस फेस में हार्डवेयर DBMS सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है, तथा डेटाबेस डिजाइन को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है. साथ ही साथ इससे पहले कि डेटाबेस डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया जाए तो सिस्टम को टेस्टिंग, कोडिंग तथा डिबगिंग प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है. और SDLC में ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली फेस होती है, क्योंकि डिबगिंग वगैरह इन सभी चीजों को इनमें कंप्लीट किया जाता है. इसके बाद हमारा जो अगला हमारा मेंटेनेंस है, तो ये SDLC का सबसे अंतिम फेस होता है. और जब सिस्टम हमारा की सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो जाता है तब यूजर्स उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं. तब जो प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं उनको टाइम टू टाइम हल करना पड़ता है, तो इन सभी चीजों को मेंटेनेंस में रखा जाता है. तो तैयार सॉफ्टवेयर को समय अनुसार उसका ख्याल रखना होता है और उसे मेंटेन भी करना होता है. तो सभी चीजें मेंटेनेंस के अंदर ही इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है. तो इस वीडियो में हमने SDLC जाना और SDLC के फेसेस के बारे में जाना. मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग.